ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरे देश में इस हालात से सबके मन में है कि पता नहीं, अरे किसी को फेंकने का क्या कहे, न्यायालय पर कोई फेंकता है, लेकिन न्यायालय क्या भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या गति है, तो हमको तो नहीं कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अयोध्या का भव्य राम मंदिर जिसे आस्था का विषय होना चाहिए, वो इस वक्त पूरे देश में राजनीति का विषय बना हुआ है। लगातार इस बात को लेकर राजनीति चलती रहती है कि किन्हें निमंत्रण मिल रहा है और किन्हें नहीं। इस मुद्दे पर बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कहना है कि ये आस्था का विषय है और निमंत्रण मिले या ना मिले हम लोग जरूर जाएंगे। जब जिसे निमंत्रण मिलता है उसे भी जाना चाहिए और जिसे निमंत्रण नहीं मिल रहा वहां भी उन्हें रामलला के दर्शन करने जरूर पहुंचना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, आज तेजस्वी यादव को एक बार फिर ईडी ने समन किया था, लेकिन तेजस्वी यादव आज भी ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर समीर महासेठ कहते नजर आए कि जो लोग भी चर्चित होंगे, जो लोग भी मीडिया में ज्यादा नजर आएंगे, उनके पीछे ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां भेजी ही जाएंगी। अगर मैं भी मीडिया में ज्यादा दिखूंगा तो ये संभव है मेरे पीछे भी ईडी के लोग आ जाएं। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं समीर महासेठ, पहले आप वो सुने। 9 वर्ष की शुभकामना आप लोग को भी, पूरे बिहार वासी को भी। हम लोग भी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे, वहाँ से लौटे हैं, प्रसाद देने गए थे। और इतना ही कहेंगे कि बिहार की शुभकामना है कि जो बढ़ते बिहार में जो आप लोग का जो सहयोग है, काफ़ी बड़ा सहयोग है, परसेप्शन ऑफ बिहार को बदलने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो आ रहा है, लोगों के मन में लगता है खटक रहा है। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से इतना ही कहेंगे कि अगली बार जो है अब 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग बिहार में लाएंगे, और जो पलायन हो रहा है निश्चित तौर पे उसमें कमियां होगी। और जो भी पलायन हो रहे हैं वो हम लोग स्किल अनस्किल एजुकेट करके बाहर करेंगे। कारण कि जो हमारे बाहर लोग काम करते हैं 20,000 में, हम चाहेंगे उनको 1,00,000 रुपये मिले। उस तरह का दूसरे एजुकेशन के माध्यम से भी उन लोगों को हम लोग सर बताएंगे। देखिए, बिहार के उत्थान के लिए सारे बातें हो रही हैं और पूरा देश जानता है कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और देश के दूसरे लोग कह रहे हैं कि गुजरात बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये कंपटीशन गुजरात और बिहार का है कि बिहार जब तक नहीं आगे बढ़ेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है। और उस पर निश्चित तौर पे हर एक मुलाकात अच्छी होनी चाहिए। हम लोग तो सबों से मुलाकात करते हैं, क्या भारत सरकार के सबों से मिलने के लिए कोई कोताही तो नहीं है? अपने डिपार्टमेंट के लिए सबों से मिलने जाते हैं। कल नीतीश जी से तेजस्वी जी की जो मुलाकात हुई है, अब लगता है कि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो गया, सीट शेयरिंग को लेकर कोई डैमेज है ही नहीं, तो कंट्रोल का क्या बात है? कोई डैमेज है ही नहीं, लोग अपना अपना, कहीं कोई ताना तानी है ही नहीं। जिनका सोच है उनसे बात करिए, कुछ लोगों का सोच है और जो सोच है शायद वो सफल होंगे कि नहीं वो समझेंगे। मंत्री जी, आप देखा जाए ये हमेशा मान के चला जाए कि हर एक पार्टी, नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीजेपी अपने कृष से आगे बढ़ी है और कांग्रेस अपने कृष से फिर आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है तो हम उस दिन भी याद दिखाना चाहेंगे कि दरभंगा भी एक सीट दिया था बिहार से, 2 ही सीट पूरा देश में मिला था। ऐसा मत कोई राजनीति करिए कि फिर पुनः मुस्को भवा पर आइए। जनता पार्टी की बात कर रहे हैं समीर महासेठ, हरेक का जो ज़्यादा बोलेगा वो ईडी टीडी के चक्कर में आएगा, तो ये तो बात है, ये तो मान के चलिए। चैनल पर ज़्यादा हम आएंगे तो हमारे पीछे भी ईडी आएगा, तो अगला आप लोग भी आइएगा, ये मान के चलिए। पूरे देश में और ये रांची में जो निकला है 300 करोड़ रुपया, आज का नहीं आज़ादी से पहले का व्यापार है, उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहा है? व्यापार करने वाला ये इसी ढंग से सोचिएगा।
अपना इनकम टैक्स अपना ये देता है, आजादी से पहले से देता रहा है, उड़ीसा से लेकर के सब जगह रांची का गिरिराज सब चीज प्रक्रियात्मक है, चलता रहेगा। किन्हीं के पीछे कोई है तो चलता रहेगा, उसको किसको कहिएगा कि आप रुक जाइए, वो तो अपना प्रक्रियात्मक है। इसके ऊपर भी तो न्यायालय है, न्यायालय के ईडी दबाव बना रही है, हो सकता है ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन जो है आपके सामने में है, उतना ही बात करें जितना है, उससे ज़्यादा नहीं है तो क्यों हम बात करें। पलिता में आग लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, पलिता में आग लगा रही है उतना ही समझिए, आग लगा रही है। एक सवाल है कि आपने कहा कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट रहे हैं, इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग 22 तारीख से पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचे, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम लोग तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हम लोग का अधिकार है। आप जान रहे हैं मिथिला के में शादी हुई थी तो मेरा क्या अधिकार होगा, आप समझ सकते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उसको तो उस अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं ना, कि हमारा सीतामढ़ी, हमारा मधुबनी, सीता जी कहाँ की थी, शादी हुई अभी कि नहीं, वहाँ से लोग जा रहे हैं, तो ये संबंध है। नेपाल का कोई हम लोग मदेशी कहला रहे हैं, उसका संबंध को आप मत करिए। राम मंदिर का न्योता उन्हीं लोग को ना आएगा, आप लोग क्या नहीं आए, क्या आएगा, कितने लोग को आएगा, आप जान ही रहे हैं ना, कहेंगे 250 लोगों को जाएगा, 2500 लोगों को, लेकिन सबको कहेंगे आप ही को न्योता दे रहे हैं। पूरा नेपाल से लोग जा रहे हैं, जनकपुर से जा रहे हैं, सीतामढ़ी से जा रहे हैं, नीतीश जी को सबो को मिलेगा, किसको मिलेगा आप जान ही रहेगा। भाई दर्शन करने के मैंने न्योता बिना न्योता का भी हम लोग इतना ही कहेंगे कि रिश्ता कुछ और है, उस रिश्ते को समझिए, बनावट में अब इतना ही कहेंगे, नथिंग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरे देश में इस हालात से सबके मन में है कि पता नहीं, अरे किसी को फेंकने का क्या क्या है, न्यायालय पर कोई फेंकता है, लेकिन न्यायालय क्या भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या गति है, तो हमको तो नहीं। आपने सुना, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ उन सारी अफवाहों को खारिज करते नजर आ रहे थे जिनमें कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर कुछ ना कुछ खटपट चल रही है इंडिया गठबंधन में। कहते नजर आए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में हम लोग चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। जिस तरीके से भाजपा अपने कृत्य से आगे बढ़ी और लोगों का वोट जीता, वैसे ही अब इंडिया गठबंधन भी अपने कृत्य से आगे बढ़ेगी और आने वाला चुनाव जरूर जीतेगी। साथ ही आपने सुना किस तरीके से ईडी पर ये कहते नजर आए हैं कि जो लोग भी चर्चित हैं, जो लोग भी आम जनता के बीच में मीडिया में ज्यादा नजर आएंगे उनके पीछे ईडी को जरूर भेजा जाएगा, ऐसा आरोप लगाते नजर आए हैं उद्योग मंत्री समीर महासेठ। साथी और क्या कुछ कहा उन्होंने ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।